हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीटीवी की। आईडीटीवी की हेल्प से आप सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, टेरेस्ट्रल जैसी सभी ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक से बिना कोई सेट टॉप बॉक्स यूज़ किए सभी टीवी चैनल्स को देख सकते हैं। ये आईडीटीवी क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इनकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्राइस और अवेलेबिलिटी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। IDTV का मतलब है इंटीग्रेट डिजिटल टेलीविज़न। IDTV ऐसे स्मार्ट टीवी हैं जिनमें इनबिल्ट डिकोडर या डिजिटल ट्यूनर मौजूद होते हैं, जिससे आपको कोई अलग से सेट टॉप बॉक्स लगाना नहीं पड़ेगा। सीधे तौर पर हम मान सकते हैं कि सेट टॉप बॉक्स इन IDTV के अंदर ही फिट होते हैं। ये इनबिल्ट डिजिटल ट्यूनर या डिकोडर होते हैं। ये IDTV DVB-S, DVB-T जैसी सभी ट्रांसमिशन मेथड में सेट टॉप बॉक्स का काम करते हैं, और इस तरह से IDTV डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल के कंजप्शन का भी काम करता है। नॉर्मली ज़्यादातर IDTV फ्री टीवी सर्विस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेड टीवी सर्विस एयरटेल, डिश टीवी और पेड केबल के लिए इनके अलग से अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ बॉक्स होते हैं। क्योंकि इन सभी पेड टीवी सर्विस में इनक्रिप्टेड सिग्नल को डिकोड करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए CI यानी कॉमन इंटरफेस स्लॉट वाले IDTV अवेलेबल हैं। इस CI स्लॉट में आप अपने पेड टीवी सर्विस के कैम कार्ड को इंसर्ट करके टीवी देख सकते हैं। कैम कार्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है कंडीशनल एक्सेस मॉड्यूल। कैम कार्ड पेड टीवी सर्विस के लिए एक ऐसा स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें आपके पेड टीवी सर्विस के सभी सब्सक्रिप्शन पैक की डिटेल होती है, जिसके बेसिस पर आपको टीवी चैनल्स दिखाए जाते हैं। अब तो एयरटेल ने भी सैमसंग के साथ मिलकर अपना IDTV लॉन्च कर दिया है, जिसमें एयरटेल DTS के सब्सक्रिप्शन पैक 999 से स्टार्ट है। इसी तरह से DISH TV के भी स्मार्ट कैम कार्ड अवेलेबल है। IDTV के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले टीवी और सेट टॉप बॉक्स के दो रिमोट से हमें राहत मिल जाती है। सिर्फ एक ही रिमोट से ही पूरा IDTV कंट्रोल होता है। इसके अलावा नॉर्मली सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट होने वाले एक्स्ट्रा वायर्स भी कम हो जाते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पावर कंजक्शन भी कम होता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इस कॉम्बो रिमोट में ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें बटन बहुत कम होते हैं, जिसके चलते कंट्रोल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये IDTV थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये IDTV होने के साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर वाले स्मार्ट टीवी भी होते हैं। 1 लाख से स्टार्ट ये IDTV सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर अवेलेबल हैं। कोई भी IDTV खरीदने से पहले आप दो चीज़ों का खास ध्यान रखें। IDTV में इनबिल्ट डिकोडर या डिजिटल ट्यूनर जरूर होना चाहिए। सेकंडली, अगर आप कोई पे टीवी सर्विस यूज करते हैं तो इसमें CI यानी कॉमन इंटरफेस स्लॉट जरूर होना। तो ये थी IDTV के बारे में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और DTH और टेक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जस्ट थिंक टेक्निकल चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।